if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel. Hello guys, beginner to advanced workout series का day 179 आज हम करने वाले हैं। अभी जो तीन दिन हमने वर्कआउट करा था, दो बॉडी पार्ट एक साथ कर रहे थे हम, chest, tricep, back, bicep, leg एंड shoulder। ये तीन बॉडी पार्ट, सिक्स बॉडी पार्ट हमारे तीन दिन में कंप्लीट हो चुके हैं। अब वापस इसको ही रिपीट करने वाले हैं। आज हमारा थर्सडे है और आज हम करेंगे वापस से chest, tricep एंड core। वापस से यही होने वाला है, बस एक्सरसाइज जो होगी वो सारी चेंज होने वाली है। जो हमारा था कि दो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करने वाला, वो भी इसी के अंदर हमको फॉलो करना है। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप दो एक्सरसाइज कम करके वापस से वही रूटीन फॉलो करें, वो नहीं होगा। जो हम अभी तक एक्चुअल चल रहे थे वैसा का वैसा हमको करना। और एक और चीज़, डे 160 में हमने बात करी थी कि डाइट को लेके, उसमें मैंने आपको बोला था कि 15 दिन तक का हम करेंगे, कि जिसके अंदर बिल्कुल चीट नहीं करने वाले हैं, कोई भी चीट नहीं करेगा। आई होप आपने उसको पूरा 100% करा होगा, 100% दिया होगा अपनी बॉडी के लिए। मैंने भी अपने आप के लिए 100% पूरा करा है। तो अभी डे 79 पे मेरे को एकदम से याद आया कि यार उस बारे में बात करना रह गई थी। तो अभी आपको डाइट पे पूरा फोकस रखना ही रखना है। थोड़ा टाइम बाद हम बल्क करने वाले हैं, लेकिन अभी हम जो डाइट चल रही थी एज इट इज़, वही डाइट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी बस वर्कआउट बढ़ाया है और उससे हमारी कैलोरी, अभी जैसे कि अब जो वर्कआउट कर रहे थे अप्रॉक्स हम मानते तो 600 कैलोरी हमारी बर्न हो रही थी वर्कआउट के अंदर। और जैसे हमने दो एक्सरसाइज और इंक्रीज करी, उसके अंदर हमारी करीब करीब जा रही है 800 से 1000 कैलोरी। तो ये एक डिफरेंस होता है, हम कैलोरी यहाँ पर ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, कम इंटेक कर रहे हैं, तो फैट लॉस और मसल गेन दोनों में हमको फ़ायदा हो जाता है। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, पहले वार्म अप पे वर्कआउट स्टार्ट करें। सो गाइस, वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर वार्म अप कर चुका हूँ मैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज आज के डे की, अभी तक हमने लास्ट जो अभी करा था चेस्ट में, उसमें हमने प्रेस मूवमेंट सबसे ज़्यादा करा था। अभी हम फ्लाई मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। स्टार्टिंग हम केबल फ्लाई से करेंगे, जिसमें पुली को हम हाई पे रखने वाले हैं। और इस पर टोटल 4 सेट करेंगे, 8-8 रेपिटेशन करना है। वेट ऐसा चूज करिए 8 रेपिटेशन में, मतलब 6 से 7 रेपिटेशन तो आपके निकल जाए, तो 1 या 2 रेपिटेशन जो लास्ट करता है उसमें आपका पूरा एफर्ट लगे, ऐसा वेट आपको चूज करना है। स्टार्ट करते हैं। केबल फ्लाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, 4 सेट उसके टोटल मैंने करे, 8 रेपिटेशन सब पे आ गए। वेट मैंने लिया 32 केजी इच साइड, 32 केजी दोनों साइड करा मैंने, और 8 रेपिटेशन थोड़ा मुश्किल था लेकिन काफ़ी अच्छा लोड आया। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। लास्ट टाइम हमने 25 केजी लिया था, अभी 22.5 केजी ले रहा हूँ, क्योंकि 8 रेपिटेशन भी करने, टोटल 4 सेट भी करने। और फ्लाई के अंदर पोस्चर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा हाथ नीचे तक कर लिया और अगर आप लिफ्ट नहीं कर पाए तो आपका मसल टियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। इसीलिए जितनी स्ट्रेंथ हो उतना ही वेट आप लिफ्ट करें, और अगर लगेगा कि बढ़ा सकते हैं वेट तो 25 केजी पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my and I stay dead, then will you get
over if I play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. इंक्लाइन डम्बल फ्लाई हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल चार सेट करे। स्टार्टिंग वेट मैंने 22.5 केजी लिया। एटेड रेपिटेशन के दो सेट करे, उसके बाद 25 केजी लिया, उस पर भी दो सेट पे एटेड रेपिटेशन आ गए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्मिथ मशीन पे फ्लोर चेस्ट प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम चार सेट करेंगे, इसके भी 8 रेपिटेशन करेंगे, स्लो करेंगे। जैसे अभी हमने दो एक्सरसाइज जो करी वो भी स्लो ही करी है। स्ट्रेंथ में आप हमेशा ध्यान रखिएगा स्लो करने का। स्टार्ट करते हैं। Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Bench press अभी जो मैंने करा floor पे, उसमें 80 केजी से स्टार्ट करा था, 4 रेपिटेशन आया, फिर 75 केजी करा, 4 रेपिटेशन आया, फिर मैंने 70 केजी पे 5 रेपिटेशन आया। मेरा पूरा था कि 6 रेपिटेशन में करूँ हर एक सेट में, लेकिन वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि अब ले लिया है तो फिर मैं ज़्यादा कम नहीं करा। फिर 2.5 कम करते हुए चारों सेट मैंने कम्प्लीट किया। अभी नेक्स्ट जॉब करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे सीटेड लो टू हाई फ्लाई करेंगे, और टोटल इसके भी हम इसके हम 3 सेट ही करेंगे और रेपिटेशन 8 करेंगे, स्लो करेंगे। स्टार्ट। सो गाइस, आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज हम करने वाले चेस्ट के अंदर। इसके अंदर हम करेंगे स्टैंडिंग प्लेट स्क्वीज, और जब आप स्क्वीज करेंगे तो मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। टोटल हम 4 सेट करेंगे एटेड रेपिटेशन के। इससे पहले हमने जो लो टू हाई फ्लाई करा उसके अंदर हम 3 सेट करें, एटेड रेपिटेशन सब पे आ गए और बहुत अच्छे स्लो मोशन में करा मैंने, और लाइट वेट ही रखा, ज़्यादा हैवी नहीं लिया, क्योंकि लो टू हाई लिफ्ट करने के अंदर थोड़ा सा अगर ज़्यादा हैवी वेट होगा तो हमारी एल्बो बैंड होने लग जाती है। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए लाइट वेट पे ही परफॉर्म करा। आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम सिर्फ चेस्ट के अंदर। अभी हमारे को ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज और करनी है, फिर हम कोर या ऑब्लिक्स ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करेंगे लास्ट में। वो अभी 3 एक्सरसाइज हमारे चेस्ट ट्राइसेप की, और बाकी ये हमारी लास्ट है। स्टार्ट करते हैं। Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you... चेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सीटेड रोप एक्सटेंशन करेंगे, और इसके हम टोटल 4 सेट करेंगे। 6 से 8 रेपिटेशन रहेगा, ज्यादा हैवी है तो 6, और थोड़ा मॉडरेट वेट है तो 8 रेपिटेशन तो करना ही करना है। स्टार्ट करते। I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel... Tricep mein hum next kar rahe hain Smith machine pe close grip bench press. Aur iske hum 3 set hi karenge. Attempt repetition karenge aur slow karenge. ज़्यादा हैवी वेट का मत सोचिए आप, लेकिन रेपिटेशन का अपन को ध्यान रखना है कि स्लो करना, उस चीज़ का ध्यान रखिए, और 8 रेपिटेशन आपके आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead
क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हमारा कंप्लीट हो गया, आटा ट्रेपिडेशन उस पर करें मैंने, तीनों सेट हो चुके हैं। आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम डबल हैंड एक्सटेंशन करेंगे डम्बल्स पे, और इसी के साथ में सुपर सेट करेंगे लेग ऑन बेंच साइड बेंड, और इसके भी टोटल तीन तीन सेट दोनों के करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। लेग ऑन बेंच एंड साइड बेंड, और इसके भी हम तीन सेट करेंगे। इस साइड आप 10, 12, 15, 20, 25, 30 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। पहले एक बार शायद मैंने बताया है इसके बारे में, एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मल जो बेंच होती है फ्लैट बेंच, उसके ऊपर आपको पैर रखने हैं, ठीक है, और इतना आप आगे चले जाइए, ठीक है। ये आपका लेग जो रहेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा करीब, इतना आगे चले जाइए, ठीक है, इतना आगे आगे। अब आपको हल्का सा अपर बॉडी लिफ्ट करना है और फिर साइड में बैंड होना है। ऐसे आप इच साइड आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 12, 15, 20, 25, 30 तक। स्टार्ट करते हैं। And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Tricep extension mein main 25 kg le rakha tha, usme एटर ट्रेपिटेशन के तीनों सेट उसी पे करें। आज का वर्कआउट कम्प्लीटली ख़त्म हुआ, काफ़ी अच्छा वर्कआउट था आज का भी, और प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, और पानी पीने का पूरा ध्यान रखिएगा, पानी पीने में कहीं भी कमी मत रखिए आप, और डाइट जो हम अभी तक चल रही थी एज इट इज डाइट को भी फॉलो करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।